जी धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइम्स नाउ को, ICICI बैंक को कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार से आज सम्मानित किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं केवल एक अकेला इंसान नहीं हूँ जिसे ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया का की बात की जाए तो मेरे बहुत से साथी हैं और बहुत से जवान जनरेशन यंगर जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी वजह से भारत की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दूर देशों में जानी जाती है, तो उन सब की तरफ से ये पुरस्कार मैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ। मिस्टर बच्चन, ये अवार्ड तो आपको तब मिला जब आप ये बच्चन बन चुके हैं, जब आप शुरुआती दौर पे जब कभी एक बार विदेश गए और लोगों ने पहली बार पहचाना आपको, जी वो वाक्य अगर आपको शेयर करें। वो कुछ ऐसे ज़माना था जब ज़्यादा फिल्में मेरी रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन कई सालों से ये जो स्टेज शोज़ होते थे इन सब की एक तरह से मैंने शुरुआत की 1980 के दशक में, और तब पता चला कि हम लोग कितने प्रिय हैं उनके लिए और वो हमारे लिए कितने प्रिय हैं, और तब से एक ये सिलसिला चलता रहा है। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इसी तरह अपना स्नेह प्यार दिखाते रहें। ओके ओके।